तरवारा मार्केट में आ गए हैं लोग और यहाँ से कपड़ा भी खरीदा रहा है, तो ऐसे उस साइड की तरफ नई कपड़ा खरीद रही हैं और हम इधर रुके हुए हैं। आयुष का छोटा भाई है जिसका नाम अयांश है, उसका फोटो लिए हुए हैं। ऐसे पहले से फोटो खींचा गया था, यहाँ से नहीं गया था। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। आज दिन है मंगलवार, तो आज चलना है मंदिर के पास, वहाँ पे जो कि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा वहाँ पे चलना है पूजा करने के लिए। और आज 13 भी है, तो आज हमको लगता है कि आज ज्यादा भीड़ भी होगा, तो देखते हैं ऐसे हो सकेगा तो थोड़ा बहुत वीडियो करेंगे। अभी हम मुंह धो रहे हैं, मुंह धोकर उसके बाद नहा धोकर उसके बाद घर पे पूजा करके उसके बाद चला जाएगा मंदिर के पास, तब वहाँ पे चलकर थोड़ा बहुत आप सबको भी दिखा देंगे और उसके बाद देखा जाता है दिन का शुरुआत किया जाता है। आज का दिन तो बहुत स्पेशल है, आज दिन है मंगलवार, तो ऐसे हम लोग की तरफ तो इसे शुभ मंगलवार बोला जाता है। और आप सभी को हमारे तरफ से जय राम जी की। इस साइड की तरफ देख रहे हैं कैसा कैसा आम मिला है, तीनों में से कोई अच्छा से नहीं है। देख रहे हैं ये वाला भी देख लीजिए इधर से किस तरह हुआ है, और ये वाला भी देख लीजिए। बट कोई बात नहीं जी, उसको कटिंग करके ऐसे खा भी जाएंगे लोग। अब हम चलते हैं पोखरा पे, ये ऑलरेडी चली गई है वहाँ पे पूजा करने के लिए। पहले घर में पूजा कर वो चली गई है पोखरा पे, और अब हम जा रहे हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। साइकिल से ही चलेंगे, ऐसे पैदल नहीं जाएंगे। ऐसे रोड पे छोटा छोटा गिट्टी है, और गिट्टी की वजह से पैर में बहुत ज्यादा चुभेगा। यहाँ से तो चलने का चल रहे हैं, बट देखा जाता है ऐसे मंदिर पे ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, बिकॉज आज 13 है और 13 में ऐसे गाँव के सभी लेडीज भी आई होंगे लोग पूजा करने के लिए, सभी लोगों का वीडियो भी तो नहीं बना सकते हैं। हमको लग ही रहा था कि मंदिर पे बहुत ज्यादा भीड़ होगा, और सेम वही हाल है। अभी आए हैं हनुमान जी के मंदिर के तरफ, और इधर जस्ट अभी थोड़ा सा खाली मिला है, इसलिए अभी हम वीडियो कर रहे हैं। इधर बैठे हैं लोग, यहाँ पे छांव रखता है तो यहाँ पे बैठे हैं लोग, और इस तरीके का कुछ मंदिर है जी। क्या पता आप सबको दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं। ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे तीन मंदिर है, और तीन मंदिर में दो मंदिर एक ही जगह पे है और एक मंदिर थोड़ा सा बगल में है। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, और ये मंदिर थोड़ा सा बगल में है, और जो दो मंदिर है ना, वो दोनों मंदिर एक ही साथ में है। तो ऐसे वहाँ पर भी गए हैं, बट वहाँ का वीडियो नहीं किए हैं। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, वो जो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, वहीं पे मंदिर है, दो मंदिर वहाँ पर एक ही साथ में है, बट वहाँ पर भी अच्छा से नहीं दिखा पाए, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहता है। बहुत खूबसूरत है वो भी मंदिर, पौधा बहुत ज़्यादा है, इस सब वजह से अच्छा से नहीं दिखाई देता है। तो कोई बात नहीं जी, पौधा भी जरूरी है, पीपल का एक पेड़ है, और यहाँ से देख लीजिए चारों तरफ आपको पौधा दिखने को मिलेगा, जो कि आम का ज़्यादा यहाँ पे पौधा है, और आम के बाद ऐसे नीम का भी है, पीपल का भी है, और एक इस साइड की तरफ ये वाला जो है ये भी पीपल का ही पेड़ है। ये रहा एक पोखरा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, नहीं तो एक समय आता है ना कि बहुत ज़्यादा पानी रहता है। वो वाला सीढ़ी दिख रहा है ना उधर, वो पूरा ऊपर तक ले चला जाता है पानी, बट अभी वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, ये अभी नया नया बना है। ठीक बा, कहाँ घर है, किधर, क्या
इधर क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। अच्छा बैठे हो, चलो जी देख लीजिए छोटा सा। हैं? अच्छा नाना तुम्हारे उधर हैं। ओहो तो अभी हम देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा यहाँ पे बहुत पहले से ही बैठा है। हम आए थे पूजा करने के लिए और देख रहे हैं कि यहीं पे बैठा है, तो इसे थोड़ा पूछ लिए तो बोल रहा है कि हम यहीं पर हैं। आपके नाना किधर है बाबू? उधर है ना। हाँ ये जो छोटा लड़का है उसके नाना उस साइड की तरफ है। यहाँ से अब चला जाता है घर पे। अभी बहुत अच्छा हवा भी लग रहा है। ये क्या जी जेसीबी इधर आई है? हमको लग रहा है जेसीबी इधर भी मिट्टी काटेगी। कितना कटिंग होगा वहाँ पे? तो ऑलरेडी कटिंग हो गया है, क्या कहा जाए। हमारे तरफ बहुत ज्यादा मिट्टी कटिंग हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हम मंदिर पे ज्यादा वीडियो क्यों नहीं किए हैं। हम ही पूजा करने के लिए नहीं गए थे, वहाँ पे काफी सारे लोग गए थे लोग पूजा करने के लिए। तेरस भी था तो इस वजह से लेडीज भी काफी गई थी लोग पूजा करने के लिए। हमारा घर है ना तो ये गाँव में है और गाँव में ऐसे सभी लोगों को वीडियो पसंद नहीं है। बहुत सारे अभी गाँव में लेडीज है लोग, उन लोगों को फोटो या वीडियो उन लोगों को पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से दूसरे किसी को अनकंफर्टेबल महसूस हो पूजा करने में, इस सब की वजह से हम वीडियो अच्छा से नहीं कर पाए। तो यही सब आपको भी बताना था। और एक बात आपको तो बताया ही नहीं, ऐसे टीका हम ज्यादा नहीं लगाते हैं। तो मंदिर में ही मुलाकात होगी हमारी से, तो फिर माई बोले कि रुको एक टीका कर देते हैं। ये हमको भी ज्यादा पसंद नहीं है पूजा करना या टीका लगाना ये सब। मतलब ये करना पसंद है बट ये जो वीडियो बनाना है ना ये हमको भी पसंद नहीं था पहले। पहले ये एक समय था फोटो या वीडियो पे सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऐसा कुछ जमाना आ गया है कि हर एक समय का आपको फोटो वीडियो सभी लोग के पास है। कभी भी हम मंदिर पे जाते हैं ना तो जैसे मैं पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही वीडियो चालू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मंदिर में जा रहे हैं उस समय भी पूजा कर रहे हैं तो उस समय भी वीडियो करें, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ज्यादा ज्ञान की बातें ना करते हैं। 9:30 होने वाला है तो अब हम चलते हैं खाना खाते हैं। ऐसे सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाए हैं। सोच रहे थे अभी पहले जाते हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद ऐसे बाछी और पाड़ी है लो इन लोग को खोलेंगे तब जाकर पानी पिएगी, बट क्या करें अभी थोड़ा बहुत धूप लग रहा है तो सोचे कि पहले इन लोगों को पानी पिला देते हैं उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। इतना दिन हो गया उसके बाद भी ये हमको मार रही है, क्या पता ये कब हमको पहचाने की, समझ ही में नहीं आ रहा है। उतना दौड़ के चली गई है आगे, अब ये भी दौड़ के जा रही है। इधर देख रही है हमको कि अब हमको भी खोल दो। हाँ जी खोल रहे हैं, चलो चलो इधर चरने मत लगना, अब इधर से तुम चलो, नहीं तो ये बाछी है ना बाछी को ज्यादा धूप नहीं लगता है, ये चरने लगती है। देख लीजिए अभी इधर चरने लगी। ओए चलो 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 इधर चलो। चरने के मामले में सबसे एक्सपर्ट यही है। टाइम नहीं दिख रहा है कि अब टाइम हो गया चले, अब अभी फिर चर रही है इधर। कितना चढ़ती है, चलो बाद में आके चरना, अब धूप लग रहा है। चलो छोड़ देते हैं इसको, तुम चरो इधर, इसको छोड़ देते हैं इधर ही, ये चर कर अपना खुद आएगी। हमको धूप लग रहा है और उसको धूप ही नहीं लग रहा है। जी अभी फिर से रेडी हो चुके हैं तरवारा जाने के लिए और जा रहे हैं लोग तरवारा। ऐसे हम अकेले ही नहीं जा रहे हैं, फिर साथ में माई भी जा रही हैं। तो स्टूडियो में जाकर फोटो भी निकलवाना है, माई को भी कुछ कपड़ा खरीदना है जो कि उस दिन गई थी कपड़ा खरीदने के लिए, उसमें से एक दो कपड़ा भूल गई है तो फिर वो भी खरीदना है। धूप भी लग रहा है और थोड़ा बहुत गर्मी भी हो रहा है, उसके बाद भी जा रहे हैं लोग, काम है तो जा रहे हैं लोग, ऐसे तो नहीं जा रहे हैं लोग। फाइनली जी तरवारा मार्केट में आ गए हैं लोग और यहाँ से कपड़ा भी खरीदा रहा है, तो ऐसे उस साइड की तरफ माई कपड़ा खरीद रही हैं और हम इधर रुके हुए हैं। पिछली बार ऐसे आए थे तो वो ग्लम्बर ऐसे टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था, बट अभी काफी अच्छा हो गया है। हरन तो काफी ज्यादा आपको सुनाई देता होगा। यहाँ पे हमको गर्मी हो रहा है और उधर माई को देख लीजिए, क्या कहा जाए भाई, जल्दी आओ जल्दी चलो जी। इसी फोटो को लेने के लिए आए हैं लोग स्टूडियो में, देख लीजिए। और ये फोटो है आयुष का, छोटा भाई का, आयांश का, और देख रहे हैं इधर काफी सारा फोटो लगा हुआ है जी। तो हाँ जी इधर से फोटो लेना था, फोटो भी ले चुके हैं। आयुष का छोटा भाई है जिसका नाम आयांश है,
उसका फोटो लिया हुए है। ऐसे पहले से फोटो खींचा गया था, यहाँ से नहीं गया था। और आप सबको तो मालूम ही होगा तरवारा में नहीं पूनम डिजिटल स्टूडियो। ऐसे थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा है बट ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। ऐसे हवा भी लग रहा है और इस साइड की तरफ देख रहे हैं पीपल का पेड़ भी काफी अच्छा है, तो इससे ज्यादा धूप भी नहीं लग रहा है, तो सही है। सामान थोड़ा सा खरीदना है, बस वो सब खरीद कर यहाँ से डायरेक्ट घर पे निकला जाता है। ऐसे तरवारा का तो हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग तरवारा का ब्लॉग देखना चाहते हैं स्पेशल में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ से चला जाता है घर पे। ऐसे माई का भी सामान खरीदा गया, मिर्चा जो खरीदना था वो हो गया, चला जाता है घर पे। इस साइड की तरफ आप देख सकते हैं प्यारा सा एक मंदिर जो कि दुर्गा माता का मंदिर है। ऐसे आप लोग देखे होंगे, जो तरवारा से देख रहे होंगे उनको मालूम होगा, और जो नहीं देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। पूरा अच्छा तरीके से यहाँ का एक वीडियो बनाए हुए है। यही मंदिर है जो कि हनुमान जी के मंदिर के पास से दिखाए थे, तो अच्छा से नहीं दिख रहा था बट अभी काफ़ी अच्छा से आपको दिख रहा होगा। ऐसे दो मंदिर है वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो रहा हनुमान जी का मंदिर और जस्ट इसके इस साइड में ये रहा मंदिर शंकर जी का और पार्वती जी का। ऐसे मॉर्निंग टाइम में तो अच्छा से नहीं दिखा पाए थे, पूजा पाठ हो रहा था तो काफ़ी ऐसे भीड़ भी था इस सब की वजह से, तो ऐसे अभी आए थे तो दिखा दिए आप सबको। ऐसा कुछ रहा ऐसे गाँव का मंदिर जो कि काफी अच्छा है जी मंदिर इस साइड की तरफ। तो फाइनली जी अभी घर पे पहुंच चुके हैं लोग, घर पे आ गए। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि आयुष भी घर पे नहीं था, फिर आयुष को लाने के लिए गए पोखरा पे। अभी देख लीजिए अभी क्या ले लिए हो? समोसा। पहले खाना नहीं खाओगे, यहीं खाओगे? खाना ऐसे वहाँ से आए थे, उसके बाद फिर खाना खाकर सो गए थे, बैठे थे लोग यहाँ पे। अभी ये कपड़ा है ना उस साइड के तरफ थे लोग। पता है क्या बातें चल रहा था? माई को हम बता रहे थे कि हाँ दुबई में थोड़ा सा भी हॉर्न आपको सुनाई नहीं देगा, कोई हॉर्न नहीं बजाते हैं लोग। तो माई को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ वहाँ पे नहीं हॉर्न बजता है। माई हॉर्न बजता है कि नहीं दुबई में? किस तरह लोग चलता है लोग? सब ऐसे ही देख कर चलता है लो। अभी भी माई को विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ दुबई में बिना हॉर्न के सभी गाड़ी चलती है लो। ऐसे हॉर्न सभी गाड़ी में रहता है बट कोई हॉर्न नहीं बजाते हैं लोग। जो सिर्फ गांव में ही रहे हैं तो उन लोगों को ज्यादा नहीं मालूम है, जैसे हमारी माई ये कहीं पे नहीं गई हुई है तो इनको तो अच्छा से नहीं मालूम है। बता रहे थे ना जा रहे हैं वहाँ पे और उसके बाद मोड़ पे रुक गए थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हॉर्न बज रहा था, उस सबको जैसे सर दर्द कर रहा था थोड़ा बहुत, तो वही बता रहे थे यहाँ पे यही एक हमको प्रॉब्लम हो रहा है और वहाँ पे आपको हॉर्न ही नहीं सुना देगा। तो माई को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ वहाँ पे बिना हॉर्न के गाड़ी चलती है। ऐसे जो दुबई से देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि हाँ दुबई में बिना हॉर्न के गाड़ी चलाते हैं लोग, कितना भी ट्रैफिक हो जाए कोई हॉर्न नहीं बजाएंगे लोग। यहाँ पर आए ना उसके बाद हमको मालूम चला कि हाँ जी साउंड पॉल्यूशन तो होता है, अगर इस पे रोक लग जाए ना तो काफी बेहतर रहेगा। और इधर देख लीजिए आ गया लो दोनों साइकिल से आया है लो। वह कहाँ गए थे लो? ये देख लीजिए, वाह इसकी नानी बोल रही है कि हाँ गंजी पहन कर आओ, टी शर्ट ना पहनो। वो गंजी पहना है ना तो ये भी गंजी पहन कर आए, ऐसे गर्मी है उसकी वजह से, है ना भाई। फिलहाल इस ब्लॉग को हम इन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप सबको मालूम है क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। हाँ उघारे होके घूमो।